डॉक्टर चाचा ने इतनी बढ़िया सुई लगाई कि गुड़िया एकदम ठीक हो गई। अरे अभी अपनी गुड़िया तो सिर्फ एक महीने की है, उसे पोलियो की सारी खुराकें सही समय पर दिलवा देंगे। अरे वाह, आज तो सब बच्चे बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं और गुड़िया रानी भी बैठी हुई है। लगता है गुड़िया की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है ना? चाची चाची, हमें और टीकों के बारे में बताओ ना, ताकि हम और बीमारियों से बच सके। हाँ बच्चों, आज मैं यही सोच के आई थी कि तुम्हें और टीकों के बारे में भी बताऊंगी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे एक टीका अस्पताल में ही सबसे पहले लगाया जाता है। वो कौन सा टीका होता है? चाची, मेरी बुआ के बेटा हुआ है, उसे देखने के लिए मैं अम्मा के साथ अस्पताल गई थी। वहाँ नर्स दीदी कह रही थी कि उसे BCG का टीका लगना है, पर ये BCG होता क्या है? BCG का टीका जो है वो बच्चों को क्षय रोग या TB से बचाता है। इस बीमारी को बच्चों में प्राइमरी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ठीक। पहले तो लोग ये समझते थे कि TB जो बीमारी है ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, परंतु अब तो इस बीमारी का इलाज सभी अस्पतालों में उपलब्ध है। चाची, सिर्फ एक टीका लगाने से हम इतनी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं? हाँ। अच्छा बच्चों, जब पोलियो की खुराक दी जाती है ना, तो उसके साथ ही एक एक सुई हर बार और लगाई जाती है, तो क्या तुम लोग बता सकते हो कि उस सुई का क्या नाम है जो कि हमें 3 बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाती है? बताओ। ट्रिपल एंटीजन। अरे हाँ, क्या कहते हैं? ट्रिपल एंटीजन। बिल्कुल ठीक है, ट्रिपल का मतलब है 3। ये हमें 3 बीमारियां, पहली बीमारी होती है गल घोटू या डिप्थीरिया, उसमें हमारे गले में एक झिल्ली से पड़ जाती है, और दूसरी बीमारी होती है काली खांसी यानी हूपिंग कॉफ। कौन सी? हूपिंग कॉफ या काली खांसी। इसमें खांसते खांसते आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। और तीसरी बीमारी क्या हुई? टिटनेस। टिटनेस से बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। टिटनेस की सुई जन्म के समय तो वही 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे लगाई ही जाती है, परंतु यदि बड़े होने पर भी किसी के लोहे से चोट लग जाए तो टिटनेस की सुई जरूर लगवा लेनी चाहिए, नहीं तो शरीर नीला पड़ जाता है। हाँ, क्योंकि लोहे का जहर हमारे सारे शरीर में फैल जाता है ना? अच्छा, इसके बाद जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तब उसको फिर से एक टीका लगाया जाता है। किसी को पता है कौन सा? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वो टीका होता है खसरा या मीजल्स का। किसका? खसरा या मीजल्स का। हाँ, मीजल्स में शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, खांसी जुकाम हो जाता है, बहुत बुखार हो जाता है, और अगर मरीज का ठीक से ध्यान न रखे तो ये बीमारी जो है जानलेवा बीमारी हो सकती है ना? इसलिए हमें कोई भी बीमारी बचने के लिए पहले तो टीके ही लगवा लेने चाहिए, और अगर मान लो किसी वजह से टीके नहीं लग सके तो फिर बीमारी का इलाज ठीक से करवाना चाहिए। अच्छा, अभी तुम लोगों के स्कूलों में कोई एक नया टीका लगा था, किसी ने लगवाया था आपने? हाँ चाची, मेरे स्कूल में हेपेटाइटिस बी का टीका 2 बार लगवाना पड़ा। है? क्या है का टीका? हेपेटाइटिस बी का। हाँ, एक टीका होता है उसे हेपेटाइटिस बी का टीका कहते हैं। इसकी 2 सुइयां लगवानी पड़ती हैं। इस सुइयों को लगवाने से हम पीलिया या कांवर या जॉन्डिस नामक रोग से हमेशा हमेशा के लिए बच जाते हैं। बच्चों, हमेशा बीमार पड़ने से पहले ही अगर हम उस बीमारी का टीका ही लगवा लेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं, तो हमें इलाज ही नहीं करवाना पड़ेगा, है ना? हेलो आंटी, नमस्ते। कौन? अरुण बेटा। आंटी, बेबी से बात कराइए। अरे बेबी कैसे बात करेगी, वो तो अभी 1.5 महीने की है। अच्छा, आपने उसे पोलियो की पहली खुराक दे दी? हाँ, बेबी है। बहुत अच्छा, जब वो 3 महीने को जाए तो उसे दूसरी खुराक दे दीजिएगा और 4 महीने पर आखिरी खुराक। हाँ, और 1.5 से 2 साल के बीच में उसे बूस्टर डोज यानी बूस्टर खुराक दे दीजिएगा। बस फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब तुझे क्या पड़ी है डॉक्टर बनने की? शर्म नहीं आती छोटी मुंह बड़ी बात करने से? मम्मी, मैं तो आंटी को याद दिला रहा था कि वो बेबी को सही समय से पोलियो की सही खुराक जरूर दे दें,
नहीं तो वो भी मेरी तरह हो जाएगी।